हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल मोशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरा नाम है विनय। दोस्तों, आप सभी ने फिल्मोरा गो ऐप का नाम जरूर सुना होगा, और दोस्तों ये काफ़ी बढ़िया ऐप भी है जब आपको कोई पर्टिकुलर वीडियो बनाना होता है। दोस्तों, वीडियो बनाने के कई सारे ऐप्स हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन दोस्तों फिल्मोरा गो ऐप काफ़ी बढ़िया ऐप है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ अच्छे से ऑडियोस होते हैं जिन पर हम वीडियो बनाना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों वो वीडियो काफ़ी बोरिंग टाइप हो जाते हैं क्योंकि दोस्तों उसमें कोई वीडियो अवेलेबल नहीं होता है। तो दोस्तों, फिल्मोरा गो ऐप की हेल्प से हम ऐसा वीडियो बनाना सीखेंगे जिसमें आप कोई भी ऑडियो लेकर कोई अच्छा सा वीडियो बना सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों, उस पर्टिकुलर वीडियो में कुछ इमेजेस इंसर्ट भी आप करवा सकते हैं जिससे कि वो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग बन सकता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले अपना फिल्मोरा गो ऐप ओपन करना होगा। दोस्तों, जब आप अपना फिल्मोरा गो ऐप ओपन कर लेंगे तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। फर्स्ट ऑप्शन इज़ क्रिएट न्यू वीडियो एंड सेकंड इज़ माय सेव्ड प्रोजेक्ट। तो आपको फर्स्ट ऑप्शन में जाना है, क्रिएट न्यू वीडियो में। फिर दोस्तों आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे यहाँ पे, जैसे वीडियोस, फोटो, प्रीसेट, फेसबुक। तो दोस्तों आपको क्या है, जो फर्स्ट टू ऑप्शंस मिल रहे हैं उसका मतलब ये है कि आपको अपना जो वीडियो बनाना है उसमें आपको वीडियोस फाइल चाहिए या फोटो चाहिए। तो दोस्तों, हम जो वीडियो बना रहे हैं उसमें हमको फ़ोटो की रिक्वायरमेंट है, तो हम फोटो पे टैप करेंगे। फ़ोटो पर टैप करने के बाद आपको वो इमेज इंसर्ट करवाना है जो आपको उस वीडियो में रिक्वायर्ड है। तो दोस्तों, ये 5 पर डिफ़ॉल्ट रहता है, अभी ये 5 पर है। मैं इसे मान लीजिए दोस्तों 8 पर मुझे करवाना है, तो मैं यहाँ से 8 भी कर सकता हूँ और मैं यहाँ से इसे 10 कर देता हूँ। फिर दोस्तों ये 10 सेकंड के बाद ये इमेज चेंज हो जाएगा, ओके कर दूँगा। दोस्तों ऐसे ही मैं सभी इमेज या जो ऑडियो मैंने रिकॉर्ड किए हैं मैं इसमें इंसर्ट करवा सकता हूँ। दोस्तों, अगर वो फाइल जो आपने रिकॉर्ड की है वो यहाँ पर अगर आपको नहीं दिख रही है, तो आपको स्कैन म्यूज़िक में जाना होगा। स्कैन म्यूज़िक में आप जाइए और आप उस पर्टिकुलर फोल्डर में जाइए जिसमें आपने उस इमेज को उस ऑडियो फाइल को रखा है। उस पर्टिकुलर फोल्डर में आपको जाना होगा और उस मान लीजिए दोस्तों मैंने डाउनलोड में उसे रखा है, तो दोस्तों इसमें पूरे थीम जो है वो फैशन वाली थीम आ जाएगी। और अगर आपको कोई थीम नहीं करना हो तो आप इसे ऑन भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ट्रांजिशन का एक अच्छा ऑप्शन है कि आपको जो आपका स्टाइल है, कोई इमेज चेंज हो रही है तो वो आप किस तरह से रखना है वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि मुझे फर्स्ट में कुछ अलग रखना है, फर्स्ट जो चेंज हो रही है इमेज उसमें कुछ अलग स्टाइल रखना है, सेकंड इमेज जो चेंज होगी उसमें कुछ अलग स्टाइल रखना है। मुझे हर
प्लस के बटन पे एक नया स्टाइल चूज करना होगा, जैसे कि मैं फर्स्ट पे जाता हूँ और यहाँ से मैं 12 जो है प्री सेट वहाँ से मैं रॉक कर देता हूँ, ये इस तरह से चेंज होगा। अगर मैं यहाँ से कैमरा करूँगा तो कुछ अलग चेंज होगा। फिर मैं यहाँ प्लस पे जाता हूँ वापस और इस इधर से कुछ दूसरा टाइप का ट्रांजिशन चूज करता हूँ, मैं रोल कर देता हूँ तो ये ऊपर की तरफ इस तरह से होगा, ठीक है। और इस तरह से मैं सभी में चूज कर लूँगा और आप भी इसी तरह से करिएगा और फिर ओके करिए। ओके करने के बाद अब जब आपका वीडियो रेडी होगा सेव होने के लिए तो आपको करना क्या है, सिर्फ सेव पे क्लिक करना है। तो इस तरह से दोस्तों आपका जो वीडियो है वो बन जाएगा, वो भी बिना कोई वीडियो के, सिर्फ फोटो की हेल्प से, फोटो और ऑडियो की हेल्प से। अभी दोस्तों ये वीडियो फाइल सेव हो रही है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। दोस्तों ये हमारी जो फाइल है जो हमने वीडियो बनाया है वो सेव हो चुका है, लेकिन दोस्तों ये अभी सेव हो तो गया है लेकिन वो हमारे मेमोरी में स्टोर नहीं हुआ है, क्योंकि दोस्तों अगर हमको कुछ भी एडिट करना है तो हम यहाँ प्रीव्यू पे जाकर एक बार फिर से हम अपना वीडियो देख सकते हैं और उसमें कोई अगर हमको एडिट करना हो तो हम वापस से इसमें जो लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ एक कैंसिल का बटन दिख रहा है वहाँ पर जाकर कुछ एडिट अगर हमको करना है तो हम वापस कर सकते हैं और फिर इस स्टेज पे वापस आ सकते हैं। और दोस्तों अगर हमारा वीडियो बिल्कुल सही है तो हमें करना क्या है, जो सेव टू कैमरा रोल का ऑप्शन है उस पर टैप करना है। दोस्तों ये सेव हो चुका है, जो हमारा DCIM जो कैमरा का फोल्डर है उसमें ये प्रोजेक्ट के नाम से सेव हुआ है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब के बटन पे टैप करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपका जो हमारा चैनल है वो सब्सक्राइब हो जाएगा।